नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 12 Play वर्सेस Moto E32s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 12 Play में 6.73 इंच जबकि E32s में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 12 Play में 3.07 इंच जबकि E32s में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 12 Play में 0.35 इंच जबकि E32s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 12 Play में 209 ग्राम जबकि E32s में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 12 Play में 20:5:9 जबकि E32s में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 12 Play में 6.82 इंचेस जबकि E32s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 12 Play में 720x1640 और E32s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 12 Play में 82.94% जबकि E32s में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 12 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि E32s में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 12 Play में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और E32s की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 12 Play में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और E32s की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 12 Play में माली G52 जबकि E32s में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 12 Play में Unisoft T610 और E32s में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 12 Play में अप टू 256GB जबकि E32s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 12 Play में Android V11 जबकि E32s में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 12 Play में 6000mAh जबकि E32s में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 12 Play में 4 कलर्स जबकि E32s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 12 Play 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिल जाता है और बात करें E32s की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 12 Play में 5 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto E32s की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में E32S आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Hot 12 Play आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है, दूसरा Samsung Galaxy M01s है, तीसरा Infinix Note 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।